देखिए फ्रेंड्स, गुलदावरी पर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है और बगिया महक चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हमारी गुलदावरी पर कुछ कीड़ों का अटैक भी हो रहा है। इसके साथ साथ फ्लावर के साथ साथ कीड़ों का भी अटैक है, वो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि अगर आपके प्लांट्स पर, आपके फूलों पर कीड़ों का अटैक है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर कीड़े किस तरह के अटैक करते हैं। ये देखिए, ये मेरा गुलदावरी का फ्लावर है। खिलने के बाद हम जो गलती करते हैं, जब ये प्लांट्स इस तरह से मुरझाने लगता है फ्लावर, तो हम इसके फ्लावर तोड़ते नहीं है। थोड़ा सा हमको लगता है कि यार अभी और सुंदरता बनी हुई, तो उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए ब्लैक कलर के छोटे छोटे देखिए ये कीटाणु आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको ये ब्रांचेज है यहाँ से रिमूव कर दो, और देखिए ये, और इसको बिल्कुल अलग फेंक दो। उसके बावजूद भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल नीचे तक कीड़े होते हैं। इसमें तो नहीं है मेरे, और किसी भी प्लांट में हो सकते हैं। जैसे कि इसमें तो कलियां मुरझा गई थी तो मैंने इसको कट कर दिया, लेकिन इसमें देखिए कि इसमें तो कली अभी खिली भी नहीं है और कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमें करना क्या है, हमें देखिए इस पर थी ना, तो वो उन्होंने और सारे प्लांट्स को भी अटैक कर दिया है। ये देखिए सारे प्लांट्स पर, और ये कलियां खिलेंगी नहीं और ये धीरे धीरे ख़राब होती जाएंगी। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए सभी लोग पहचान गए होंगे ये क्या है, ये है राख। देखिए सर्दी शुरू हो चुकी है तो राख को सब लोग हाथ तापने के लिए राख का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये मेरी हवन की राख है। मैं जब हवन करती हूँ और उसके बाद जो राख बचती है ये वो राख है, और इसमें देखिए बहुत सारे जैसे कि सामग्री मिलती है, घी भी होता है, कपूर है, लौंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और गूगल भी होता है। तो ये सब हमारी जो राख है ना बहुत फ़ायदेमंद है ये वाली राख। तो हमें क्या करना है, इस राख को हमें लेना है, और देखिए राख को आप इसे छान लें, छानने के बाद जो मोटा मोटा हो उसे आप अपनी मिट्टी में डाल दें, और जो महीन महीन हो उसको क्या करना है, देखिए इस तरह से आप हाथ में ले लें या फिर छलनी में ले लें, और इस तरह से आप हल्का हल्का इस पर यूं बुरक दें, और आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन ही इसमें सारे कीटाणु ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ये आपको राख लगी हुई दिख रही है, थोड़े से पत्ते गंदे से लगते ज़रूर हैं, लेकिन आपको अगर अपने प्लांट्स को कीटाणुओं से बचाना है तो आपको राख का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत सस्ता, बहुत इजी, और अगर हवन वाली राख नहीं है तो कोई भी आप चूल्हे की राख हो, कहीं भी राख मिल सकती है। कंडे को आप दो कंडे ले लीजिए, उसको जला लीजिए, उस राख से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी आपको केमिकल वाली फर्टिलाइज़र नहीं डालना, बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड आप इस तरह से अगर आप नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि हमारे ये पत्ते गंदे गंदे से हो जाते हैं, थोड़ा सा गंदा हो जाता है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए सेकंड प्रयोग इसका क्या है कि आप इस राख को छानेंगे, छानने के बाद आप इसको पानी में डाल लें। पानी में डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं स्प्रे करने का तरीका वैसे तो देखिए सादा है, आप इसको छान जरूर लेना, क्योंकि छानने से उसके जो छेद होते हैं बंद नहीं होते, और छानकर आप इस पर स्प्रे करेंगे तब भी आप आपकी ये जो कीटाणु हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। मुझे तो ये वाला तरीका बहुत पसंद आता है, उसमें बहुत प्रोसेस होता है कि उसको छानो फिर उसमें स्प्रे करो, बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो देखिए मोस्टली अपने सभी प्लांटों पर जिस पर कीटाणु आ रहे होते हैं सभी पर मैं यही कर देती हूँ। और जो देखिए और जो राख बचेगी ना वो भी मैं इन्हीं प्लांटों पर सारे पर छिड़क दूंगी। छिड़कने से क्या, जो तुलसी भी हमारी ख़राब हो रही है ना सर्दियों में, देखिए आप सबसे ज़्यादा हमारा इफेक्ट पड़ता है तुलसी पर, तुलसी भी ख़राब हो रही होती है, तो भी मैं तुलसी पर भी देखिए इस तरह से कर देती हूँ। और आप देखिए तीन चार दिन में आपके सारे कीटाणु भी मर जाएंगे और आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कीटाणु नहीं होंगे तो
तो आपके प्लांट्स पर फ्लावर और जो आपके फल वाले प्लांट हैं, देखिए इस तरह से फलों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे सस्ता उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।